ऊंच बड़ी दूर तक फैली पड़ी है। भीमसेन ने कहा बूढ़े बानर हटाओ। तो हनुमान जी ने कहा भैया बहुत बूढ़े हैं, हमसे हाथ पैर तो सरकते नहीं, पूछ कहाँ सरकावे, तुम सरकार दे हटा दे। भीम ने पूरा 10,000 हाथियों तक का जोर लगा दिया, लेकिन पूछ तस्मस नहीं। आखिर हनुमान जी ने भीमसेन का गर्व हरण कर दिया। वहीं पर हनुमान जी ने दर्शन दिए, ये हर कोई जानता है, ये सब सब जानते हैं, लेकिन इसके आगे जा सुनेंगे एक अनोखी बात। गीत बज रहा है कि तौबा ये मत वाली चाल है। हनुमान जी ने भीमसेन का गर्व दूर किया और पूछा कि ये बताओ तू जा कह रहे हो, अब कहाँ जाओगे? तो भीमसेन ने कहा महाराज दिव्य सुगंधित पुष्प लेने जा रहा हूँ। तो बोले ऐसे कैसे ला पाओगे, वहां तो बहुत तगड़ा पहरा है। बोले फिर आप बताइए कैसे ला सकता हूँ, लाना तो है बिल्कुल बीनू भैया। तो हनुमान जी ने किया क्या, अपनी पूंछ से पूंछ पकड़ी और पूंछ का जो गुच्छा होता है जिसको हमारे हरि कृष्ण भैया ब्रश कहते हैं, जय जय, उस गुच्छे से पूंछ उन्होंने
थोड़े पाल तोड़ दिए। अब पाल तोड़ करके भीमसेन के हाथ में रख दिए। ये ले एक नई बात मिलेगी। और कह दिया कि लोम, अरे लोम मेरी लांगूल के पाल, लो मेरी लांगूल के पाल लेकर तुम जाओ तत्काल, लक्ष्य साथ लौटो सकुशल ना होगा पाका पाल लगे ना, लगे ना पाल से कोई बला। बहुत सुंदर, ये बाल तुम्हारी रक्षा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाल लो मेरी लांगूल के पाल लेकर तुम जाओ तत्काल, लक्ष्य साथ लौटो सकुशल ना होगा पाका पाल लगे ना, पाल से तो की पला। भीमसेन वो पाल लेकर के चल दिए, लिए पाल कर में चले शक्तिशाली, लिए पाल कर में चले शक्तिशाली, लगन में लगन मन में है पुष्प पाने की आली, लुभाए कमल दल भीमसेन पहुंच गए, लुभाए कमल दल दिखे शांत है, कमल पुष्प भी दिखाई दे रहे हैं, चल एकदम शांत दिख रहा है, शांत लुभाए कमल दल दिखे शांत है, जल लखी है सरोवर की सुषमा निराली लगा है, लक्ष्मी का खला हो। भीमसेन ने देखा कि पहरे पे एक यक्षिणी, जैसे यक्ष होता है तो नारी स्त्रीली यानी यक्षिणी का पहरा है। क्या बात है, यक्षिणी पहरे पे लगी हुई है। भीमसेन ने देखा लुभाए कमल तल दिखे शांत है, जल लगी है सरोवर की सुषमा निराली लगा है, बीनू भैया अब जरा देखिए यक्षिणी का पहरा लगा हुआ है। और जैसे ही भीमसेन वहां पहुंचे यक्षिणी ने देखा तो जरा यक्षिणी का काम देखिए, लजाती लरजती। और ये हमारे 50 पत्र मुद्राएं भैया श्री सोमनाथ जी अवस्थी, हिटू भैया हमारे अवस्थी जी की तरफ से ये 50 पत्र मुद्राएं हैं, हृदय से अभिवादन है। और हमारे छोटे भाई
आप भी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं हमारे पुत्तन शुक्ला जी, पुत्तन पवित्र, आपकी तरफ से भी 51 पत्र मुद्राएं हैं और 20 पत्र मुद्राएं हमारे सुशील शुक्ला जी सिंचाई विभाग, आपकी तरफ से भी 21 पत्र मुद्राएं हैं और ये 100 पत्र मुद्राएं हमारे छोटे भाई पवन वाजपेयी जी, आपकी तरफ से प्रसिद्ध है, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है और कहना है। शाब्दिक चेंज जरा देखिएगा, बिल्कुल लजाती लरजती यानी इतराती बलखाती, भीमसेन का शरीर तो था ही सुडौल, लजाती लरजती नटलती है ताले, लजाती लरजती लटलती है ताले, लिए रूप यौवन के, लिए रूप यौवन के ये रंग ढंग निराले। अब वो उसने भीमसेन को देखा तो भीमसेन के आगे पीछे मंडराने लगी, वो हट नहीं रही है। भीमसेन का काम कैसे बने, पुष्प कैसे तोड़े जाए, लजाती लरजती नटलती है ताले, ये रूप यौवन के रंग ढंग निराले, लाख जाल माया के केशनी ने डाले, लाख जाल माया के केशनी ने डाले, लेकिन रहे भीम खुद को संभाल लाल कर, आंखें चली चंचला भीमसेन को बड़ा लुभाया उसने, लेकिन भीमसेन के सामने ताल नहीं गली, भीमसेन ने अपने को संभाला, तब तब लाल कर आंखें चली चंचला, मेरी लांगू निचोड़ अंतिम पंक्तियों में है, आखिरी पंक्तियां सुनेगा नीलम जी। जब वो ताले नहीं चल रही है और क्रोध में यहां गई, चूंकि हनुमान जी ने बताया था वो यक्षिणी जिसका नाम है केशनी, केशनी केशनी, और वो बहुत मायावी महाशक्ति है, उससे तुम पार नहीं पा सकते हो माया में। तो देखिए जैसा हनुमान जी ने कहा वैसे ही भीमसेन ने किया, किया क्या, लोम लूम के भीम सेन ने निकाले, लोम यानी लोमे और लूम यानी लांगूल यानी पूंछ, क्या बात है, बहुत सुंदर शब्दावली देखिए, वही बाल लोम लूम के भीम सेन ने निकाले, लिए कर में केशनी के सम्मुख उछाले, केशनी के सामने वही पूंछ के बाल, वही बाल भीमसेन ने उछाल दिए सुबह तक, और जब उछाल दिए तो जरा देखिए हुआ क्या, लिए कर में केशनी के सम्मुख उछाले,
लोग गिरे धरती पे अतुल दिव्य ताले, हाँ समझो, लोग गिरे धरती पे अतुल दिव्य ताले, लोम बन गए हैं शिवलिंग, लोम बन गए हैं शिवलिंग, महामहिमा वाले लगे लो लगे लो, कंचन न जाए छला और ये आर्यावर्त संकीर्तन परिवार की तरफ से हमारे अखिलेश बैरागी जी आपकी तरफ से जो रायबरेली से चलकर आए हैं आपकी तरफ से ये 200 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हैं आर्यावर्त संकीर्तन उत्थान समिति के हमारे सर्वोपरि प्रमुख हमारे बीनू भैया, चूंकि यहाँ बैठे हैं बीनू वाजपेयी जी जो कालू खेड़ा निवासी हैं, आपकी तरफ से ये 200 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हैं, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, और ये 100 पत्र मुद्राएं हमारे छोटे भाई पुत्तन शुक्ला जी पुत्तन पवित्र आपकी तरफ से प्रदत्त हैं, और ये 21 पत्र मुद्राएं पिंटू गुप्ता अनन्या चाच भंडार आपकी तरफ से प्रदत्त हैं, सभी के लिए हृदय से अभिवादन है, बहुत बहुत आशीर्वाद है पुत्तन भैया, बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसे ही वो लूम के बाल फेंके वो सब शिवलिंग के रूप में स्थापित होगा, बात है दिव्य शिवलिंग, और जब उस केशिनी ने देखा ये शिवलिंग तो श्रीमान जी वो केशिनी रखवारी पहरेदारी छोड़कर उन शिवलिंगों पर सहस्त्रार्चन करने लगे, चूंकि वो प्रमुख रूप से भगवान शिव की भक्तन थी, जब तक वो शिव सहस्त्रार्चन करती तब तक भीमसेन का पूरा काम बन गया, हरिओम, जब भागे तो केशिनी ने जल्दी से शिव सहस्त्रार्चन करके पीछा किया, ये ले हरिओम हरिओम हरिओम। और ये हमारी छोटी बहन गुड़िया भारती जी की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं हैं, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ईश्वर सदैव आपके दिल में स्थान बनाकर रखे, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसी के साथ भीमसेन जैसे जैसे भाग रहे हैं केशिनी पीछा कर रही है, तो एक शिवलिंग फेंक दिया तो केशिनी फिर सहस्त्रार्चन करने में लग गई, और कुल मिलाकर के तब तक भीमसेन हनुमान जी के पास पहुंच गए। हरिओम हरिओम। लोम गिरे धरती पे अतुल दिव्य ताले, लोम बन गए हैं शिवलिंग, लोम बन गए हैं शिवलिंग, महामहिमा वाले लगे लो चन न जाए छला, और इसी के साथ ये हमारा ये गीत रहा। आइए एक बार फिर आपके बीच में आ रही हैं नीलम विश्वकर्मा जी अपने कुशल एवं सक्षम से।
बेस काट दीजिए, थोड़ा पतला कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, मेरा परम सौभाग्य है कि जहाँ ऐसी महान हस्तियाँ हम छोटे छोटे कलाकार को सुन रही हैं, आदरणीय बहन जी श्रीमती गुड़िया आजाद जी, जो किसी परिचय की मुस्ताज नहीं है। गुड़िया भारती जी क्षमा करिएगा, गुड़िया भारती जी, मैंने एक साथ दोनों बहनों को कह दिया। आजाद जी हमारी शिप्रा बहन जी को, और ये सत्य मानिए जहाँ अधिक खुशी होती है तो वाणी पर अंकुश लगता ही नहीं है, कुछ कहना चाहते हैं कुछ निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना अमूल्य समय हम बच्चों को के लिए दिया। आइए, बहुत ही अच्छी तर्ज आई है और बहुत अच्छा आप लोगों ने सवाल गीत सुना है, मेरी ओर से प्रयास है, सुनेगा गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। किसी तम ये आदाओं का रानाया है, बहुत बढ़िया। सितम ये अदाओं की, सितम ये अदाओं की रानाइया है, कयामत तुम्हारी है, कयामत तुम्हारी है, अंगड़ाइया है, हमारे चाचा जी की ओर से और ये बड़े भैया की ओर से स्वागत वंदन भी हुआ है हमारे चाचा जी का। बढ़िया एक सुंदर सी माला और ताज पहनाया गया है तुम्हारे चाचा जी की फरमाइश आ गई। कहने लगे शेरवानी नहीं है चाचा जी, शेरवानी नहीं है, देखिए पूरा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे भाई की ससुराल है, हमारे चाचा जी का संध्याना है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय हमारी बहन जी के लिए। माला और माल देकर बहन जी ने हमको माला माल कर दिया,
जो प्यार जो दुलार आपने दिया है बस यही प्यार दुलार अपना बनाए रखिएगा। यही आपसे निवेदन है। और माता भगवती, माता सरस्वती, माता दुर्गा से यही कामना कर रही हूँ। आदरणीय बहन जी, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, केवल माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ आपके सुखद जीवन की। भवानी सदैव आपके अंग संग रहें तथा कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए बढ़िया सा सवाल आप लोगों ने सुना है। आदरणीय चाचा जी, और क्या ले जा लंगूर के बाल। बढ़िया सवाल आया है और आपने हनुमान जी महाराज के बाल दिखाए हैं जो भीम को दिए हैं वो तीन बाल। तो आइए अब भैया जवाब क्या हो सकता है। जब आपने बाल दिखाए हैं तो जरा मेरा प्रयास सुनिएगा। भगवान कन्हैया का जन्म हो गया, इधर जैसे भगवान भोलेनाथ को ज्ञात हुआ परेशान हो गए, अरे कन्हैया का जन्म हो गया मुझे दर्शन के लिए जाना है, लेकिन सोच में पड़ गए जाएं तो कैसे जाएं। विचार आया ज्योतिषी का भेष बनाकर माता यशोदा के द्वारे आवाज लगाने लगे। आवाज लगाई, हे मैया हम हिमालय से ज्योतिषी आए हैं और हम लाल लेकर आए हैं। लाल मरियम मोती को भी लाल कहा जाता है। उस लाल की विशेषता है कि जिस भी घर में नन्हा मुन्ना बच्चा बालक है तो अगर ये लाल पहन लेगा तो उस पर कोई भी विघ्न बाधा नजर नहीं लगेगी। माता यशोदा ने इतनी बात सुनी तो कहना पड़ा सुनेगा। हारमोनियम का माइक थोड़ा कम कर दीजिए। सुने जन्म जब हुआ कान्हा का, हेलो इसको बढ़ा दीजिए, बढ़ाए रखो। हेलो 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 सुने सुने जन्म जब हुआ कान्हा का शिव अकुलाए बदल करके रूप अपना गोकुल में बनाकर आ गए, लेकिन कन्हैया तो जान गए ये कोई और नहीं मेरे भगवान, मेरे इष्ट भगवान भोलेनाथ। तो कहना पड़ा क्या भैया, सुने सुने द्वारे हरने करने हरियाणी भगवान भोले ना कि हरने करने कुछ कमा, हर करने कुछ कमा। आदरणीय चाचा सुने तो उधर शिवजी ने कहा माता आ गई, कहा ए बाबा मेरे घर में छोटा राजकुमार है, मेरा लल्ला है,
मैं अपने लल्ले के लिए, अपने लाडले के लिए आपसे वो लाल लेना चाहती हूँ। सुनेगा शिव जी ने कहा कि लेकर आए हैं हम लाल, हम जो लाल लाए हैं उसकी विशेषता देखिए कि लेकर आए हैं हम लाल, तो लाल ये पहने जो भी लाल, ये लाल जो भी लाल पहनेगा। आदरणीय चाचा चाचा समझते रहिए कि लेकर आए हैं हम लाल, लाल ये पहने जो भी लाल, तो लाल जो पहने उसका होगा कभी न पाका पाल जाल, ये लाल ये हंसता रहेगा लाल। हे माता रानी, हे यशोदा मैया, मेरा दावा है जो भी ये लाल पहनेगा उसकी सारी बलाएं दूर हो जाएंगी, लाल ये हंसता रहेगा लाल। माने कहा हे बाबा, अगर आपके पास ऐसा लाल है तो कृपा करके मुझे दीजिए। अब देखिए भोलेनाथ लाल लेकर तो आए लेकिन जिस इच्छा से आए, माता अकेली आई है लेकिन उनके नैना प्यासे हैं भगवान कन्हैया के दर्शन के लिए। क्या बात है? तो कहा मैया क्या ये लाल ऐसे काम नहीं करता है, पहले आप अपने लल्ला को लाइए, हम उसकी नजर उतारेंगे इसके बाद। सुने लालन को पहले अपनी गोद में उठाओ, मेरी कुछ सर सर आदरणीय दादा सुनिएगा, लालन को पहले अपनी गोद में उठाओ, नजर जो लगी है उसको कन्हैया को, नजर जो लगी है उसको नजर में भगाओ, क्योंकि वो लाल के व्यापारी बनकर आए हैं, उन्होंने शर्त रख दी। बाद में ये उसको अपना लाल पहनाओ, तो विश्वास भर कर मैया लाल को बहाओ, बाबा बाबा लाल को हमारे कर को कर निहाल, तो लिखना पड़ा क्या कि लेकर आए हैं हम लाल भैया, कि लेकर आए हैं हम लाल, लाल लाल ये पहने जो भी लाल, आदरणीय चाचा जी उधर बाल तो इधर लाल, कि लेकर आए हैं हम लाल, लाल पहने जो भी लाल, लाल जो पहने उसका होगा कभी न पाका पाल, लाल से लाल से लाल से हंसता रहेगा। तो लेकर आए बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। ये रहा मेरी ओर से यथाशक्ति प्रयास, और ये इंक्यावन पत्र मुद्राएं सम्मान श्री पुट्टन पवित्र जी कीर्तनकार आपके करकमलों से इंक्यावन पत्र मुद्राएं उत्तर पंक्तियों पर, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए भाई स्वागत है।
बंदर बन गया। हाँ वो पहले से बंदर है। ये भैया है हाथी बाबा राज। और ये इन ज्ञान पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद परम सम्मानी हमारे भैया जी श्री हाकिम आवारा जी जो पुखराई से पधारे हैं, हृदय से धन्यवाद है, नमन है मेरी ओर से। और ये एक से एक पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद शमानिया बहन शिप्रा आजाद जी जवाबी संकीर्तन पार्टी उरई जालौन कानपुर आपकी तरफ से ये एक से पत्र मुद्राएं हैं। आदरणीय हमारी शिप्रा बहन जी बहुत अच्छा कीर्तन गाती हैं और बहुत अच्छा कीर्तन सुनती हैं। जहाँ जहाँ जवाबी कीर्तन होता है वहाँ वहाँ आपका नाम है। माता भगवती सदैव आपके अंग संग रहे हैं। बहुत बहुत काम